देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की छोटी बड़ी सभी खबरों। मिनी बाबा धाम से मशहूर पूर्वांचल का सबसे बड़ा सावन मेला पंचमुखी भगवान शिव मंदिर इटहिया में अंतिम सोमवार को करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेले में चैन स्नेचिंग, पर्स चोरी व वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष एंटी थेफ्ट दस्ता लगाए गए थे तथा 24 सीसीटीवी कैमरा व 2 ड्रोन कैमरे से संपूर्ण मेले की निगरानी की जा रही थी। पूर्व में भी चैन स्नेचिंग के प्रयास में 4 महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, परंतु उनके गैंग की कुछ महिलाएं फरार हो गई थी। आज मेले में महिलाओं का वही गैंग चैन स्नेचिंग पर्स चोरी का प्रयास कर रही थी। इनको सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे आज चुराया गया सामान भी बरामद हुए हैं। इन्होंने पूर्व में वर्षों में बड़ी संख्या में चैन व पर्स आदि की चोरी करना स्वीकार किया है। गाँव के नाम गिरफ्तार महिलाओं के नाम दुधौला थाना दुधारा जिला संत कबीर नगर चन्नी पत्नी टुनटुन निवासी अमरहा थाना धर्म सिंहवा जिला संत कबीर नगर सोनी पत्नी ब्रिजेश निवासी रतनपुरा थाना कैंपियरगंज जिला गोरखपुर हीना के नाम पत्र तस्दीक नहीं हो पा रहे हैं, बार बार नाम बदल कर बता रही हैं। देखें इस संबंध में क्षेत्राधिकारी निचलौर सुनील दत्त दुबे ने क्या कहा। ये थाना टूटीवारी क्षेत्र के अंतर्गत इटहिया में भगवान शिव मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां आज अंतिम सोमवार होने के कारण 3-4 लाख की भीड़ थी। चैन स्नेचिंग करने वाली महिलाओं का गैंग देखा गया ये सीसीटीवी कैमरे में। ये महिलाओं के गले में चैन खींचने का प्रयास कर रही थी। तत्काल महिला पुलिस की मदद से एवं जनता की मदद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जा रहा है। पूर्व में भी मेले में जो महिलाएं पकड़ी गई थी वो भी इन्हीं इसी गैंग से संबंधित है। कुछ इनसे चोरी किए गए प्रसाद आज बरामद भी हुए हैं और पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। इसके पूर्व इन्होंने पूछताछ में बताया है कि पिछले सालों में इन्होंने मेले में काफ़ी संख्या में पर्स और चेनें गायब की थी और ये हर साल मेले में आती हैं। इनका गैंग पिछले बार पकड़ा गया था, इस बार ये लोग पकड़े गए हैं। इस गैंग में 1 दर्जन से अधिक महिलाएं जो मेलों में जाकर चैन स्नेचिंग एवं पर्स उड़ाने का काम करती हैं। इस वर्ष मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ और पुलिस की सक्रियता से ही कोई चैन स्नेचिंग अथवा पर्स चोरी की घटना घटित नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी सफलता है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।